भैया सभी को दिल से नमस्ते और स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो भैया मेरे पास अर्टिका गाड़ी है, 2016 मॉडल है और डीजल वर्जन है। तो मेरे पास ये गाड़ी आई हुई है और इसमें जो चेक इंजन लैंप है ये आ रहा है। तो मैं आपको एक बार गाड़ी स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं भैया हैं कस्टमर हमारे पास गाड़ी को लेके आए थे। तो हमने इसे इसमें स्कैनर लगाया, यहाँ देख सकते हैं हमने स्कैनर लगाया हुआ है बॉश का। तो इसमें जो लाइट आ रही है, रोहित क्या हुआ, रुक कर तो खोल दिया। तो हम इसे सर्च करके देखेंगे। तो भैया यहाँ देख सकते हैं इसमें जो कोड आ रहा है P0180 और ये जो कोड आ रहा है P0180 ये फ्यूल टेम्परेचर सेंसर का कोड आ रहा है। और भैया यहाँ हम देख सकते हैं, तो कस्टमर ने हमें बताया था कि इसका जो है फ्यूल पिन फिल्टर चेंज हुआ था और फ्यूल फिल्टर चेंज होने की वजह से गाड़ी 10,000 किलोमीटर चली है। लेकिन जो यहाँ चेक इंजन लैंप है, एक बार मैं आपको स्टार्ट करके दिखा देता हूँ, नेक जाएगी फिर आ जाती है। तो ये 10,000 किलोमीटर चलने के बाद, मतलब सर्विस के बाद से ही ये चेक इंजन लैंप आनी स्टार्ट हो गई है। तो भैया हमारे पास लेके आए तो हम इसे चेक करेंगे, एक बार हम इसे डिलीट करके देखते हैं क्या ये डिलीट होता है कोड। तो यहाँ देख सकते हैं डिलीट तो ये हो गया है, लेकिन जैसे ही हम रिटर्न करके दोबारा से इसे एरर करने की कोशिश करते हैं, इसे हटाने की कोशिश करते हैं, ये फिर से आ जाता है, क्योंकि समस्या अभी भी है मौजूद। तो हम फ्यूल फिल्टर के पास चलते हैं, मैं गाड़ी को बंद कर देता हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं ये हमारा फ्यूल फिल्टर है। तो यहाँ देख सकते हैं फ्यूल फिल्टर, और देख सकते हैं ना कितनी डस्टी भी यहाँ लगी हुई है, ये देख सकते हैं। तो मैं ऐसे एक बार चेक करूँगा कोई इसकी तार वगैरह तो नहीं टूटी हुई है, और इससे पता चलता है ना कि फ्यूल फिल्टर हमारा चेंज हुआ है। तो मैं इस कपलर को निकाल के चेक करता हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं ना ये रबड़, इसका जो रबड़ है ये भी फूला हुआ है। और एक बार मैं तार भी चेक कर लेता हूँ या कोई हमारा जो तार है ये टूटा हुआ तो नहीं है। रबड़ भी, ये सॉकेट है ना, ये है ना। तो इसका तार तो यहाँ टूटा हुआ नहीं दिख रहा है। तो मैं एक बार इस कपलर पे हवा एयर लगा के तो इसे फिर से बैठा के देखता हूँ, चेक कर लेता हूँ इसकी वायरिंग, समस्या तो नहीं है। वायरिंग तो यहाँ से ठीक है लगभग। मैं यहाँ इस पे एयर लगा रहा हूँ, कोशिश करता हूँ। क्योंकि रबड़ भी है ना, ये रबड़ भी थोड़ा फूल गई है, हो सकता है कपलर अच्छे से ना बैठा हो।
फाइनली ना मैंने यहाँ पे कपलर को लगा दिया है और मैंने टोटल बॉडी स्प्रे से इसे साफ़ कर दिया था कि बहुत ज़्यादा रस्टिंग आ रहा था। जो रबड़ है वो कट गई, पूरी तरह से फूल गई है, जिसकी वजह से कपलर अच्छे से नहीं बैठ पा रहा था। तो मैं अभी इसमें, यहाँ मैंने देख सकते हैं बैटरी भी खोल रखा है, तो मैं अभी इसमें बैटरी को लगाऊँगा, फिर मैं चेक करूँगा स्कैनर लगा के कि हमारी समस्या जो है वो सॉल्व हुई है या नहीं। ठीक है तो भैया हम ये फिर से देखते हैं, इसे स्कैन कर रहे हैं। करना ये तो आएंगे दो तीन साल तो आज उस चीज़ में देख अरेज कर टोटल कर। ठीक है तो भैया हमने इसको अरेंज कर दिया है, फिर से देखते हैं क्या ये फिर से मेमोरी में आ रहा है। देखो नो फॉल्ट कोड, क्योंकि पहले जो चेक इंजन लाइट थी तब हमें हमने जब कोड को अगर हम अरेंज भी कर रहे थे तो ये अरेंज नहीं हो रहा था, चेक इंजन लाइट बरकरार थी। तो अभी हम चेक करते हैं, हमने ऑलरेडी ही देख सकते हैं हमने जो फॉल्ट है उसे हमने डिलीट कर दिया है, जो कोड है हमने उसे डिलीट कर दिया है। तो मैं स्टार्ट करके देखूँगा। तो भैया यहाँ देख सकते हैं चेक इंजन लाइट है वो जा चुकी है और जो हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व भी हो गई है, यहाँ देख सकते हैं। फिर से चेक करते हैं तो जो चेक इंजन लाइट है वो जा चुकी है हमारी ऑलरेडी, देख सकते हैं। तो फाइनली हमारी गाड़ी ठीक हो गई है। तो भैया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो। दिनेश भाई को काम बहुत अच्छा हो, यहाँ पे आओ दिनेश भाई से काम कराओ। मैंने तो कई बार बहुत उन्हें दिखाया हो तो उन पर सलना पड़ी है और दिनेश भाई ने एक ही बार में टाइम तो लगाया, बस काम संतुष्टि से बढ़िया अच्छे से। कितने मिनट में ये काम कर दिया आपका? ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिनट लगाए भैया ने, जब से मैंने एंट्री करी और अब तक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। मैं आपको कितने समय मिला हूँ, मैं अभी जो आया कितने मिनट हो गए भैया? तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट हुए। तो आपको कैसा लगा भैया हमारा काम? अरे बहुत अच्छा काम है दिनेश भाई का, यहाँ पे लगते तो छोटे से हैं बट काम बहुत अच्छे हैं इनके।